गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम संस्कारी भारत पुष्प 20 पढ़ेंगे। गायत्री महामंत्र, हिंदू धर्म में गायत्री महामंत्र का बहुत ही महत्व है। आइए हम इसके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म विश्व का श्रेष्ठ धर्म है। प्रत्येक धर्म का एक मंत्र होता है। जैन धर्म में नौकार मंत्र है तो बौद्ध धर्म में मणिहुंडुम ऐसा मंत्र है। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं और हर एक संप्रदाय का मंत्र होता है, जैसे कि श्री कृष्ण शरणम मम अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सबका सांप्रदायिक मंत्र है, परंतु हिंदू धर्म का महामंत्र है कौन सा, ये देखिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्तविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ये गायत्री मंत्र है जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखते हैं, परंतु हिंदू धर्म का महामंत्र है गायत्री मंत्र। विश्व भर में लाखों मनुष्य यह मंत्र का नित्य जाप करते हैं। नित्य जाप करते हैं मतलब रोज। जो इस मंत्र का जाप करते हैं उसकी ये मंत्र रक्षा करता है। इस मंत्र के प्रथम उद्गाता विश्वामित्र ऋषि माने जाते हैं। यह मंत्र भगवान सविता नारायण को अर्पण हुआ है, यानी कि गायत्री का सूर्य नारायण को आह्वान है। ओम भूर्भुवस्वः तस्तविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। इसका अर्थ यह है कि हम सूर्य नारायण देव के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए। सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। गायत्री का मंत्रोच्चार होते ही जाप करने वाले के ऊपर जैसे प्रकाश की चमक सूर्य में से उतरती है, जैसे कि सावित्री, महागायत्री, गुरु मंत्र और वेद माता। वेद के हजारों मंत्रों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, इसलिए वह गुरु मंत्र कहलाता है। चारों वेद में यह मंत्र एक से ज़्यादा समय में आता है। इस मंत्र के सिवा दूसरा कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेद में हो। पर ऊपर से वेदों के छंद ज़्यादातर गायत्री छंद हैं में से हैं, इसलिए इस मंत्र को वेद माता गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र 24 अक्षरों में है। कितने? 24 अक्षरों में है। इस 24 अक्षरों में 24 शक्तियाँ स्थित हैं। इस मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तब शरीर के 24 भागों पर उसका प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप इस मंत्र का जाप करते हैं तब शरीर में एक शक्तिशाली आंदोलन उत्पन्न होता है जो मंत्र जाप करने वाले के लिए उपकारक होता है। भगवान कृष्ण ने गायत्री को वेदों का प्राण कहा है। उसके बिना वेद निर्जीव है, मतलब वेद का कोई महत्व नहीं है। यह मंत्र निरंतर जपने वाले को दिव्य अनुभूति होती है। भारतवासियों को गौ, गंगा और गायत्री में अपार श्रद्धा है। गायत्री साधना में मनोकामना पूर्ण होती है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि गायत्री 24 शक्तियाँ प्रदान कर 40 शक्तियाँ प्रदान कर करती हैं। इस मंत्र में जगत उत्पन्न करने वाले परमात्मा का उत्तम तेज है। उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता नष्ट हो जाती है। धर्म उसके आचरण में योग्यता प्राप्त होती है। गायत्री प्रातः काल को तेज देने वाली, ज्ञान कर्म में प्रेरित करने वाली परम शक्ति है, जिनसे परमात्मा के नज़दीक जा सकते हैं।
प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया था वह गायत्री मंत्र से प्राप्त किया गया था। यह मंत्र के 24 अक्षर 3 पदों में विभाजित हैं जो ज्ञान भक्ति और कर्म के प्रतिपादक हैं। गायत्री में 3 बातें प्रकट होती हैं, कौन कौन सी? पहला है ईश्वर के बारे में चिंतन, दूसरा परमात्मा का वह अद्भुत तेज जो अपने अंदर धारण करना, तीसरा और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना। इस मंत्र से मनुष्य का परमात्मा से संबंध जुड़ता है। प्राचीन ग्रंथों में इस मंत्र के 24 अक्षरों में जो शक्तियां हैं उसका विवरण देखने को मिलता है। इस 24 शक्तियों का उद्भव होते ही मनुष्य अपना जीवन सुखमय बिता सकता है, इसलिए इस मंत्र का अधिक महत्व है। महाभारत में भगवान वेद व्यास ने एक प्रसंग लिखा है, भीष्म पितामह वारसैया पर थे तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था, पितामह आप सफल वेदों के ज्ञाता हो, आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से मुझे धर्म फल शांति पुष्टि रक्षा मिलेगी, मेरे शत्रुओं का भय का विनाश होगा। तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, हे पुत्र सुन, जो लोग गायत्री का पाठ करते हैं उनको सर्व इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। गायत्री एक श्रेष्ठ मंत्र है। शंकराचार्य ने गायत्री को विद्या बुद्धि और तेजस्विता प्रदायिनी कहा है। रामकृष्ण परमहंस गायत्री मंत्र को और मंत्र जाप को शक्ति का पुंज कहा है। स्वामी विवेकानंद ने गायत्री को सद्बुद्धि और सुख की प्राप्ति का मंत्र कहा है। गुरुदेव टैगोर ने गायत्री को भारतवर्ष को जगाने वाला मंत्र कहा है। आधुनिक समय में आचार्य श्री राम शर्मा ने इस प्राचीन मंत्र को समस्त भारत में लोकप्रिय बनाया है। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में छोटे गांवों में भी गायत्री परिवार की शाखा है। जगह जगह पर गायत्री शक्तिपीठ की मंदिर भी है, वहां गायत्री मंत्र के बारे में अनेक पुस्तक मिलती है। गायत्री हमारा सर्वोपरि मंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति को इस मंत्र का जाप नित्य कर सकते हैं। हर रोज़ सुबह उठकर यह मंत्र एक बार बोलने से पूरे दिन आनंद में व्यतीत होता है। तो सब साथ में बोलो, ओम भूर्भुवस्वः तस्तविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। इस पाठ में गायत्री मंत्र के महत्व को बताया गया है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हिंदू धर्म में जो हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, भगवान की भक्ति भावना है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।